स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारत छोड़ो आंदोलन से टॉपिक प्रश्न होंगे, जो 20 साल से कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है आप खुद इस वीडियो में देख लेंगे, जो SSC CGL, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, UP कांस्टेबल और UPSC और जो बड़े बड़े एग्जाम है उसमें बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पुणे। तो ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो आपको याद रखना है बम्बई में प्रारंभ किया गया था। और कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। ये चीज़ को आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1940, 46, 42 या 36 में? ये 2010 और 93 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है वो 1942 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, भारत का प्रधान सेनापति भी पूछा जाता था जाता है। तो जल्दी से बताइए भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वो लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। अभी ये क्वेश्चन आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में, सितंबर 1942 में, अगस्त 1942 में, अक्टूबर 1942 में। ये 2006 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें से कौन सा विचार एकदम सही है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये विचार बिल्कुल सही है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो थी सी है वो एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी। 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू, तो आपको याद रखना है कि जो बकरी का टापू है ये नेपाल में स्थित है, में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था? राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, जयप्रकाश नारायण ने, चेतु पांडे ने, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 2020 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये 2005 में आया क्वेश्चन है। तो चैम्बरलेन, क्लीमेंट, चर्चिल, मैकडोनल्ड। तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चित थे। कौन थे? चर्चित थे। और इनका जो कार्यकाल था यानी समय काल जो था ये 1940 से 1945 तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? लुईस फिशर, वेब मिलर, विलियम एल सीवे, नेगली फारसन। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है ये 2001 और 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लुईस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिग्विजय होंगे, यह किससे जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, भारत छोड़ो आंदोलन से यह कथन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तिलक, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने। 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने
किया था। अब करो या मरो का जो आश है, यानी कि इसका जो अर्थ है, आपको याद रखना है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, या आज़ादी के प्रयास में, या आज़ादी के प्रयास में दिव्यगंत हो जाएंगे, या आज़ादी के प्रयास में दिव्यगंत होंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा भी गया है, और इसका जो क्वेश्चन है ये मेरे पास है, अभी आगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? डांडी, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो। तो 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करो या मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन 2009 और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का करो या मरो का जो नारा है वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना। ये IAS का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो ये IAS का सवाल है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों सही है, लेकिन सी और डी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे याद रखना है सी और डी गलत है, बाकी ए और बी सही। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सी और डी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? BR अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद हो चुका होगा, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यहाँ पे ए और सी ये दोनों सही हैं, लेकिन कौन सा कथन सही नहीं बताया गया, तो बी और डी यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका नेतृत्व तो गांधी जी ने किया था, ये तो सही है, यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। तो ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब ने, उपरोक्त ने सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जो है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियन पार्टी, इन तीनों ने इनका समर्थन नहीं किया था। और साथ में एक और पार्टी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? AK आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव ये किसने पेश किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव। और यहाँ पे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे मिस है, तो आपको यहाँ पे जो सही आंसर है वो याद रखना है, वो ऑप्शन नंबर ई इज राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी बेसंत। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2010 और 1996 का क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बम्बई, लखनऊ, वर्धा, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? हमने ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेट, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो लॉर्ड वेवेट, जो लॉर्ड वेवेट जो जो कि बाद में जो कि बाद में 1900 जो कि बाद में 1943 से 1947 तक 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय, भारत का वायसराय और वायसराय, भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस चीज को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अलग से पूछा भी गया है कि लॉर्ड वेवेल जो है वो 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद हो चुका होगा, तो उसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुआ था, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, ये 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1996 का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो आपको याद रखना है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं या बने थे। और ये भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय यहाँ पे लिख देते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। 2008 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है,
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, क्रिप्ट ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो ये IAS लेवल का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 में ही पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये 2015 में आया प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? मैरिन ड्राइव मैदान, चैंबूर मैदान, काला घोड़ा मैदान, ग्वालियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो चुका होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पता है, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता। तो 1942 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। ये 1990 का क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्ट के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है 1, 2 और 4 है, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4, तो ऑप्शन में 1, 2, 4 का है, ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 1997 का क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है उषा मेहता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2010 और 2011 में है प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।